तो चलिए आपके इस संडे वाली छुट्टी में भर देते हैं ढेर सारा एंटरटेनमेंट। अब आप पूछेंगे कैसे, अब लेकर चल रहे हैं हम आपको प्यार का पहला नाम राधा और मोहन की कावेरी यानी दामिनी की मम्मी यानी मनीषा पुरोहित के पास। हमारी टीम सास बहू और बेटियां कर रही है मनीषा जी के साथ एक डे आउट। तो चलिए करते हैं मनीषा जी से ढेर सारी बातें। मोहन की मासी का गरबा रास, दामिनी की संस्कारी माँ, वह सीरियल में तो कावेरी रचती है षड्यंत्र, लेकिन रियल लाइफ में मनीषा पुरोहित है जिंदा दिल। सीरियल में भले ही कावेरी अपनी चंटगिरी, प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स के लिए माहिर है, लेकिन आज हम आपको मिला रहे हैं मनीषा पुरोहित से, जो गुजराती हैं और इन्हें गरबा करना बेहद पसंद है। वैसे भी भाई जहाँ जहाँ गुजराती जाते हैं गरबा की रमझट तो रहती है और रंग भी जमाते हैं। ये कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती हैं। रसोई में टेस्टी टेस्टी पकवान बनाने में इनका मन लगता है। एक बेटे की माँ है लेकिन इनके दिल में अभी भी बचपना है। सीरियल हमारी देवरानी में जलपा के किरदार से छोटे पर्दे पर एंट्री करने वाली मनीषा पुरोहित ने कई सारे नेगेटिव रोल्स किए हैं और ऐसे रोल्स करना इन्हें बेहद पसंद है, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही चुलबुली और हसमुख हैं। आज सीरियल राधा मोहन से इन्हें मिल गई है छुट्टी और सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनके घर बिताने उनके साथ एक दिन। घूमेंगे उनका घर और जानेंगे कि आखिर कावेरी रियल लाइफ में कैसे अपने दिन की शुरुआत करती है। हेलो, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? सास बहू बेटिया आज है मनीषा जी के साथ, यानी कि आपकी कावेरी के साथ, जिन्हें आपने हमेशा राधा मोहन में देखा है कुछ पुड़िया छोड़ते हुए, कुछ साजिशें रचते हुए। लेकिन आज यहाँ कोई साजिश नहीं होने वाली है। यहाँ आज हम मनीषा जी को जानेंगे और क्या कहना चाहेंगे मनीषा? अरे हे प्रभु, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सास बहू और बेटिया की टीम मेरे यहाँ पर आई है और आप लोगों से इस तरह से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, जो मनीषा है आपकी कावेरी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज वेलकम और ढेर सारा प्यार आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो पीछे जो ट्रॉफीज है उसी से ये है स्टार प्लस का हमारी देवरानी मकाऊ 2011 बेस्ट मज़ेदार सदस्य ऑफ स्टार प्लस। मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था 2009 में और ये सेकंड अवार्ड मिला था 2011 में। इसके साथ एक अच्छी भी घटना है और दुखद भी घटना जुड़ी हुई है मेरे साथ। जब 2009 में स्टार परिवार अवार्ड फंक्शन था, तब मेरी मॉम मुझे रेड कारपेट तक छोड़ने आई थी और बहुत खुश थी जब मुझे अवार्ड मिला था। और 2011 जब दोबारा मुझे एज अ बेस्ट मज़ेदार सदस्य ऑफ स्टार प्लस अवार्ड मिला, मेरी मम्मी बस उसी के 20 दिन पहले ही एक्सपायर हो गई थी। सो ये घटना अच्छी थी मेरे लिए, लेकिन मैं अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। सो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये आपकी कावेरी ये जो हम प्लॉटिंग प्लानिंग करते रहते हैं ना राधा को फंसाने के लिए, उसी के लिए हमें जी रिश्ते अवार्ड्स ने बेस्ट खलनायिका ऑफ जी का अवार्ड मिला है।
चलिए अब मैं आपको अपने घर की सैर कराती हूँ। ये एक्चुअली हमारे छोटू से गणपति बाप्पा है, ये सत्यनारायण देवता, ये हमारी नंदी जी। सच बताऊ भले मैं ऐसे षड्यंत्र करती हूँ लेकिन हूँ बड़ी धार्मिक है प्रभु, कभी तो भगवान सुन लेगा हमारी। हाँ तो आइए अब हम करते हैं हमारे घर की सैर। हाँ तो ये है सामने इन्फिनिटी मॉल, मलाड इन्फिनिटी मॉल, वो है सामने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, और नीचे से जाती है मेट्रो। बहुत ही सुंदर एरिया है ये, और जब शाम को इन्फिनिटी मॉल में लाइटिंग्स होती है, लोग आते हैं जाते हैं, चहल पहल बढ़ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है, घंटों तक यहाँ पर बैठी रहती हूँ मैं। सुबह में और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, कभी कभार ये ऊपर की लाइट जलाकर आराम से बैठ के यहाँ पर बातें करते हैं और चिल करते हैं। इतना सुंदर लगता है यहाँ से पूरा नज़ारा, स्पेशली है ये ओपन स्काई। घर की सैर करने के साथ साथ मनीषा ने अपने फेवरेट कॉर्नर्स के बारे में बताया, जहां वो बैठकर गर्मा गर्म चाय पीती हैं। फिलहाल गर्मी का मौसम है, इसीलिए उन्होंने न सिर्फ अपने लिए कोकम का शरबत बनाया बल्कि गर्मी में कूल कूल कैसे रहें उसकी टिप्स भी दी। तो अब यहां पे तो मैं सुबह सुबह चाय पीती हूँ, लेकिन देखिए ना बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो मेरा जो फेवरेट शरबत है अभी वो बनाने जा रही हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ। सो दिस इज कोकम शरबत, ओके। मुंह में पानी आ रहा है ना, यही होता है भाई, एक तो इतनी सारी गर्मी और कहीं ऐसा कुछ दिख गया। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, इस वक्त मैं मनीषा हूँ तो कावेरी बन के राधा का खून नहीं पी रही हूँ, इतना ज़रूर जान लीजिएगा। ये कोकम शरबत है और कोकम शरबत ही पीने वाली हूँ मैं, तो चलिए पीते हैं कोकम शरबत। हाँ मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस पर आइए। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है राइट, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि मैं अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करती हूँ। फर्स्ट थिंग नारियल पानी, आप नारियल पानी ज़रूर पीजिए। सेकंडली आप जो सब्जा आता है ना, सब्जा वाला पानी बना कर रखिए, कम से कम आप 2 लीटर पी ले उतनी आप गारंटी के साथ चलिए, क्योंकि ये गर्मी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तीसरा है लंच के वक्त आप थोड़ा कम खाना खाएंगे चलेगा, लेकिन बटर मिल्क छाछ पीना मत भूलिएगा, क्योंकि हम तो वही करते हैं भाई, हाँ बॉटल भर के छाछ पीते हैं, तो छाछ ज़रूर पिएगा। एंड सी ये गर्मी, रेन एंड विंटर, ये तो हमारे कुदरत ने दिया हुआ है, तो कभी कभार गर्मी का मज़ा भी ले लेना चाहिए, लेकिन अपने आप को बीमारी से बचाने के ये सारे नुस्खे जो हैं वो करते हुए करना चाहिए, ठीक है। तो आनंद भी लीजिए गर्मी का, मैंगो ज़रूर खाइएगा, हाँ क्योंकि मैं तो बहुत खाती हूँ भाई, सबसे फेवरेट फ्रूट है मेरा। हाँ मेरे तो मुंह में पानी आ गया क्या, आप लोग भी खाइएगा खाइएगा। फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ, पता है बहुत हमें ऐसी प्यास लगती है, ऐसा लगता है कि अभी का अभी हम लोग कुछ ना कुछ ठंडा पानी पी ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए। ठंडा पानी वैसे भी नुकसान करता है, मटके का ठंडा पानी ज़रूर पीजिएगा और कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी एवरी डे पीजिए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर,
कश्मीर। अगर सच बताऊँ ना तो जन्नत यहीं पर है, मेरा फेवरेट प्लेस। और हम लोग ये बार 31 दिसंबर के वक्त पूरा परिवार कश्मीर गया था, और ये वहाँ की फ्रूट बास्केट है, ये अपना शिकारा, और ये उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ के लकड़े से अपना सॉसर जो होता है, कप एंड सॉसर का, वो रखने के लिए। ये जो है चिड़िया का, वो मैं एक एग्जीबिशन में गई थी राजकोट, वहाँ पे एक छोटे बच्चे ने, जो फैन भी है, उसने अपने हाथों से ये बना के गिफ्ट किया था मुझे। बहुत ही प्यारा सा परिवार है इसका, कि मैम आपका परिवार ऐसे ही रहे, बहुत अच्छे आशीर्वाद के साथ गिफ्ट किया था, तो मैं हमेशा अपने नज़रों के सामने रखती हूँ इसे, है ना खूबसूरत। हाँ आइए। अब जिनके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। जिनके बिना किसी के दिन की शुरुआत नहीं होती, और जिनके बिना हम कुछ नहीं है, वैसे हमारे भगवान। आइए। मनीषा पुरोहित रियल लाइफ में बहुत ही संस्कारी हैं। होम टूर कराते वक्त उन्होंने हमें अपना पूजा रूम भी दिखाया, जहां रोज सुबह वो दिया बत्ती करती हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुजरात से हूँ, बहुत आस्था है मेरी हमारे ये छोटे से लड्डू गोपाल में, महालक्ष्मी माँ में, गणपति बाप्पा में, और हमारे महादेव में। बिना पूजा के मेरा कभी भी मन नहीं लगता, जब तक मैं दिया बाती नहीं करूँ मेरा दिन शुरू नहीं होता, और मुझे अंदर से बहुत बेचैनी रहती है। तो मेरी दिन की शुरुआत भी यहीं से होती है, वहाँ जहाँ मैं कावेरी बनती हूँ वहाँ पर भी दिन की शुरुआत मेरी दिया और बत्ती के साथ ही होती है। तो जब तक दिया धूप नहीं करूँ मैं बिल्कुल सुख चैन से नहीं रह पाती, इतनी आस्था तो है मेरी भगवान में बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा आस्तिक हूँ मैं, बिल्कुल कावेरी नहीं हूँ। हाँ समझ गए। आइए चलिए, अब मैं आपको अपने रूम में लेकर चलती हूँ। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम, एंड मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सही लॉजिक से जो मैं जीती हूँ वो ये है, कोशिश करती हूँ कि मैं खुद हमेशा हंसती रहूँ और दूसरों को हंसाती रहूँ, इसलिए मुझे कॉमेडी करेक्टर बड़ा अच्छा लगता है, और इसीलिए कावेरी आपको हंसाने की कोशिश भी करती है। आई होप कि ये कहीं ना कहीं काम में आता होगा, है ना। ये है मेरे बेटे के साथ फोटो। आइए अब मैं आपको अपनी तीसरी वाली फेवरेट प्लेस पे लेके चलती हूँ। मनीषा का तीसरा फेवरेट कॉर्नर है उनके बेटे जॉय का कमरा, जहाँ उनकी जान बसती है। उन्होंने ना सिर्फ अपने फिटनेस फ्रीक बेटे से मिलवाया, बल्कि उसे अपनी कावेरी वाली एक्टिंग भी सिखाई। जो मेरी जिंदगी है, सब कुछ है, वैसे मेरे बेटे से मिलाती हूँ। His joy, my son, 21 साल का है। ऑफ कोर्स मैं 50 साल की नहीं लगती हूँ, पर ये 21 साल का है, और अभी वो जिम से आया है, तभी जिम के आउटफिट में है, बड़े डोले शोले बनाता है, और हम दोनों की इसी मामले को लेके बड़ी फाइट होती रहती है भाई, क्योंकि हम ठहरे पुराने ज़माने वाले, चावल खा लो, दाल खा लो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो, और ये सब जिम वाले। सो व्हाट यू प्रीफर बेटा, तुम ये काब्स जो करते रहते हो और मॉम के साथ फाइट करते रहते हो, तुम अपने हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहोगे, हेल्थ के लिए तुम्हारा क्या सोचना है? एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, कार्ब्स खाना है, बट सिर्फ इंडियन फूड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, एंड
प्रॉपरली मील्स को डिवाइड करना चाहिए. एंड व्हाट अबाउट फ्रूट्स वेजिटेबल्स? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं, पर एक्सेसिव अमाउंट में खा के कोई मतलब नहीं है. सो मिनिमल अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड. ये सब मानता है तो मुझे अगर पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फ्राइज कुछ भी खाना है, बड़ा मुश्किल होता है भाई, कहीं जा ही नहीं पाते हम लोग तो. ठीक है बेटा, तू अपना डाइट चालू रख, मैं अपना खाना चालू रखूँगी. हाँ, एक्टिंग वाइज तो बहुत ही अच्छा होता है, कॉमेडी भी एक एलिमेंट होता है. इवन इफ शी इज़ द विलन, शी स्टिल कॉमिक एंड ऑल, तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है देखने से और मज़ा आता है, फनी होता है. आपको मेरी तरह ऐसे लाड बुलाना है, बोलना है हे प्रभु, ऐसे हाथ करके बोलो. हाँ, मैं पकड़ ऐसे, हे प्रभु बोलो. हे प्रभु. सच में प्रभु नीचे आ जाएंगे अब तो. ओके, चिल कर अभी आइए. सो ये है मेरा तीसरा फेवरेट प्लेस. यहाँ पे ये डिम लाइट लगा के मैं शाम को खाना खाने के बाद आधा घंटा राउंड जरूर मारती हूँ. चलो, आपने मेरे साथ तो घर की सैर कर ली, लेकिन अब बड़ी भूख लग रही है हमें. चलिए चलिए, थोड़ा रसोई में भी तो चलते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं हमारे तो. अरे आइए, जल्दी आइए. भाई कावेरी तो राधा की जिंदगी में ट्विस्ट का तड़का लगाती हैं, लेकिन मनीषा अपनी रसोई में स्वादिष्ट भोजन पकाने में अव्वल है. आज ये सास बहू और बेटियां को बता रही हैं कि कैसे वो बनाती हैं बटाटा पोहे, जो बनते हैं मम्मी दा ढाबा में, यानी कि इनकी रसोई में. मम्मी दा ढाबा ऐसा ही है भाई, 24/7 ओपन. ये हमारा जो किचन है ना, 2400 घंटा ऐसा ही रहता है, खुला ही रहता है. आप कितने भी बजे आओ, कितने भी बजे जाओ, हमारे किचन में रसोई बनती ही रहती है, क्योंकि हम खुद इतने जो फूडी है. बड़ा अच्छा लगता है, कभी सुखड़ी बनाते हैं, कभी कुछ और बनाते हैं, कभी अच्छे अच्छे डोसा उतार के इडली बना बना के खाते रहते हैं. वैसे गुजराती हमने ढोकला, फाफड़ा, थेपला, उन सब के लिए फेमस है, हम वो भी खाते हैं और बाकी बहुत कुछ खाते हैं. तो आइए, आज हम बनाते हैं बटाटा पोहा गुजराती स्टाइल में. ठीक है, बड़ी भूख लगी है भाई, डाइट से हमारा कोई लेना देना नहीं है. भरपूर तेल, ये है तिल जो बहुत कम लोग डालते होंगे, थोड़ी देर सींग दाना को अभी भुनने देते हैं. हरे हरे मिर्च की और कड़ी पत्ता की जो खुशबू आ रही है, क्या बताए अभी. वाह भाई वाह. अब डालेंगे हम सिंधव नमक हल्का सा. एक दो सेकंड के बाद पाव ये इसीलिए हाथ से डालना पड़ता है. मैं ऐसा करती हूँ कि जो पोहा जो होता है ना, वैसे खिचड़ी टाइप नहीं बन जाता, थोड़ा अलग रहता है. सुबह 5:30 बजे उठ के खाना बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कावेरी खाली पड़ी रहती है और हुक्म चलाती रहती है राधा के ऊपर. खुद खाना बनाती हूँ, अपना लंच पैक करती हूँ और लेके जाती हूँ. अब जो हमारा किरदार है वो वाला काम, थोड़ा खट्टा.
और थोड़ा मीठा। भाई गुजराती हूँ तो इतना भी मीठा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मिठास जो स्वीट बनानी होती है ना उसमें ही ज़्यादा शक्कर डालती हूँ, इसमें नहीं डालूंगी मैं। लेकिन खट्टा मीठा अगर नहीं होगा तो जिंदगी का मज़ा क्या है। चींटियों को उल्लू बनाने के लिए रखा है कॉफी में शुगर, ताकि चींटी उल्लू बन जाए। चींटियां समझेगी शुगर है, अरे कॉफी है, और जाएगी मिलेगी नहीं उनको शुगर, तो उनको ये बेवकूफ बनाने के लिए रखा है मैंने। घर में भी कभी कभार कावेरी जैसी हरकतें कर लेती हूँ मैं, बड़े परेशान है मेरे घर वाले। सो ये बन गया गुजराती बटाटा पौवा। लीजिए गर्मा गर्म बटाटे पोहे तैयार हैं, और मनीषा उनकी तो भूख बढ़ती जा रही है, ऐसे में उन्होंने बिना ब्रेक लगाए पोहे पर पोहे खाने शुरू कर दिए। आइए थोड़ी पनिशमेंट आप भी लीजिए, हमने बनाए हैं तो सजा तो मिलेगी ही आपको, खाएंगे और जिंदगी भर नहीं खाएंगे फिर। हम ब्रह्म भोजन करें उसके पहले, मनीषा और कावेरी की तरफ से आप सबके लिए लव यू ऑल। बहुत भूख लगी है, बहुत इंतजार तो कर लिया पर अपनी राह जा रहा हमसे। के साथ साथ मनीषा ने अपना करियर नामा भी बताया। 2008 में उन्होंने हमारी देवरानी से टीवी में डेब्यू किया, लेकिन इनके एक्टिंग का सफर इससे पहले ही शुरू हो गया था, और उसमें उनके मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। ये अपने परिवार की पहली बेटी हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो एक्ट्रेस ना होती तो वो एक प्रोफेसर जरूर होती। तो मेरी शुरुआत हुई थिएटर से, और मैं एक थिएटर एक्टर हूँ। ड्रामा में जब स्कूल में हमारी कंपटीशन हुआ करती थी तो ज़्यादातर तो मैं कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है, और स्पोर्ट्स में कबड्डी है, लंगड़ी हुआ करती थी हमारे टाइम पे, बास्केटबॉल वॉलीबॉल वगैरह में मैं कैप्टन थी। उस दरम्यान मैंने कभी भी ये मेकअप करना वगैरह नहीं सीखा था और ना ही मैं चाहती थी, लेकिन हमारे जो स्कूल में एक प्ले था, और प्ले में जो एक लड़की पार्टिसिपेट कर रही थी वो अचानक से बीमार हो गई। अब कंपटीशन था, हमें जीतना भी था, मेमोरी भी शार्प थी मेरी, तो हमारे जो गुजराती के टीचर थे उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तू कर ले, क्योंकि तू पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, तो ये तू फटाक से लर्न कर लेगी और दोपहर को हमारा कंपटीशन है। तो वो प्ले मैंने 10-15 मिनट का, वो जो वन एक्ट प्ले होता है, वो मैंने लर्न कर लिया और हमने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। बस यही था भाई मेकअप का चमत्कार, यहीं से मेरी सफ़र की शुरुआत हो गई। उसके बाद तो मैंने यूथ फेस्टिवल किए, INT कंपटीशन किए, देन स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स में काम किया। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि ये लड़की अभिनय कर रही है, लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया। मीनवाइल जब मैं कॉलेज कर रही थी उसी दौरान मैंने गुजरात ड्रामा डिप्लोमेटिक्स में से अपना डिप्लोमा कम्प्लीट किया, क्योंकि मैं ये तो मैंने सोच लिया था कि अगर मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँ या कहीं पे नहीं टिक पाऊँगी तो मैं प्रोफेसर तो ज़रूर बन जाऊँगी, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी। और प्रोफेसर गुजराती जो डिप्लोमेटिक्स किया था मैंने, भरतनाट्य शास्त्र वगैरह जो मैं सीखी थी उसमें बनना चाहती थी, लेकिन ये मीडिया से रिलेटेड रहना चाहती थी। फिर शादी हो गई, मेरे पति डायरेक्टर है, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड्स मिलते थे, तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े और बहुत जल्दी चट मंगनी पट ब्याह 20 साल की उम्र में शादी हो गई। 95 में मुंबई आ गए, मैं विजय परातक्त एकेडमी में एज अ प्रोफेसर एज अ लेक्चरर भरतनाट्य शास्त्र से लेके हर चीज़ ड्रामा की मैं सिखाती थी। उसी दौरान यहाँ के मनु भाई गढ़वी, जिनके बेटे संजय गढ़वी ने धूम फिल्म बनाई है,
उनके फादर का एक प्ले होने वाला था जिसमें लैंग्वेज थी काठियावाड़ी। तो यहाँ पे मुंबई में सबको पूछा होगा कि कोई लड़की है तो बताइए, तो उन्होंने बोला अहमदाबाद से एक लड़की आई है, तो वो काठियावाड़ी बहुत अच्छा बोलती है क्योंकि कॉम्पिटिशन में उसने बेस्ट एक्ट्रेस के बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं। उन्होंने मेरा संपर्क किया, वहाँ से 95 से मुंबई में मेरी अभिनय की शुरुआत हुई। यहाँ के बहुत सारे थिएटर में मैंने अच्छे अच्छे नाटकों में काम किया, जिसमें से गांधी विरुद्ध गांधी, वेविशाड़, लज्जा तने महारासम, बहुत सुंदर सुंदर नाटक जिन्होंने मुझे एक अलग ही मुकाम दिया। साथ में छोटी मोटी जो सीरियल्स थी, तांक झांक, निर्मा आहा, सबूत, जाने भी दो पारो, घुटन, जुनून, ये सब में छोटे छोटे रोल किए मैंने। लेकिन एक थिएटर एक्ट्रेस को सही मायने में टीवी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई हमारी देवरानी ने, शोभना देसाई प्रोडक्शन हाउस। शोभना जी के साथ पहले भी मैं बहुत काम कर चुकी थी और उन्हीं का प्ले था एक्शन रिप्ले। उनके रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो मुझे जानती थी। वो जब टीवी शो बना रही थी तो मैंने उनके साथ अल्प विराम, एक मल हो सपनों का, थोड़ी खुशी थोड़े गम, ये तीन शोज किए हुए थे। फिर वो बनाने जा रही थी हमारी देवरानी और उन्हें चाहिए था एक कॉमेडी कैरेक्टर जानती थी वो, और यही मुझे सही मौका उन्होंने दिया और मेरी शुरुआत हुई एज अ जलपा नानावटी। बस एक एक्टर को और क्या चाहिए होता है। आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के सपोर्ट ने जलपा नानावटी को इतना प्यार दिया कि आज मैं डिफरेंट डिफरेंट किरदार आपके सामने ला सकी हूँ। खैर, कावेरी का किरदार तो ऐसा ही है जो कॉमेडी के साथ साथ ट्विस्ट का तड़का लगाता है। वैसे कावेरी वो तो अपने षड्यंत्रों पर ब्रेक लगाने से रही, लेकिन मनीषा पुरोहित संग इस डे आउट पर हम यहीं पर ब्रेक लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि कावेरी की रियल जिंदगी देखकर और उनके बारे में जानकर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मुंबई से नुपुर मावची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।